तो सामने WAP 7 लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन मथुरा छपरा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। सो जनरल हमको खाली मिल गया है, कोई ऐसा दिक्कत तो है ही नहीं। बाकी देखा देता हूँ क्या हाल है। और ट्रेन हमारी जो है वो फर्रुखाबाद से चल रही है। तो मेरे पीछे ना जल्दी ही मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया है, जल्दी ही कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कानपुर। कानपुर किस लिए जा रहा हूँ, कुछ काम है वहाँ पर। अभी मैं हूँ फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर और अभी बजे हैं रात के 3 और मेरी ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में। तो चलते हैं एक बार स्टेशन के अंदर और टिकट लेते हैं जनरल में। वैसे हाँ, आज की जो ना वीडियो है वो ट्रेन के बारे में नहीं होने वाली है, मैं जा रहा हूँ गूगल के इवेंट में, तो वो दिखाने वाला हूँ। तो अब मिलते हैं ना टिकट लेकर सीधा फिर कानपुर। सो चलते हैं अंदर, देखिए काफ़ी सारी गंदगी है बाहर। टिकट लेते हैं चलकर, टिकट घर है इधर। ये देखो सभी लोग सो रहे हैं। तो टिकट वगैरह मैंने ले ली है सारी और टिकट मुझको पड़ी है 80 रुपीज़ की। कानपुर कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 110 किलोमीटर, एक्चुअली 110 या 120 होगा अप्रॉक्स। तो ट्रेन बस आने ही वाली है 5-10 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और मैं जा रहा हूँ गूगल के गूगल डेवलपर फेस्ट में। अब यार जनरल में जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। बाकी अब वेट करते हैं ट्रेन का और चलते हैं फिर। सो हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में एंटर कर चुकी है। तो सामने WAP 7 लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन मथुरा छपरा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। और हाँ, पहले ही ICF रेक के साथ चलती थी, हाल ही में इसको LHB फाइड किया गया है, तो बिल्कुल नई रेक है इसकी। अभी मथुरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लोकनायक एक्सप्रेस। ये है कुछ जनरल के हालात। जनरल भैया, भीड़ देखो, भीड़ के लिए लोग कैसे भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमको भी भागना पड़ेगा। चलो भाई। सो जनरल हमको खाली मिल गया है, कोई ऐसा दिक्कत तो है ही नहीं। बाकी देखा देता हूँ क्या हाल है। और ट्रेन हमारी जो है वो फर्रुखाबाद से चल रही है। अब सीधा मिलते हैं आपको कानपुर। तो अभी पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और चलते हैं बाहर, ऑटो करते हैं। जो गूगल डेवलपर फेस्ट है ना वो हो रहा है एक्सेस कॉलेजेस में। तो एक्सेस कॉलेजेस जो है वो रूमा चकेरी में है, क्योंकि यहाँ से लगभग 15 या 16 किलोमीटर है अभी। तो चलते हैं स्टेशन के बाहर और ऑटो करते हैं और टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं सुबह के। तो मेरे पीछे ना जल्दी ही मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया है, जल्दी ही कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी आपको। और अभी स्टेशन के बाहर आ गया हूँ, ऑटो वगैरह लेता हूँ और चलता हूँ वेन्यू की तरफ। तो अभी मैं जस्ट जो है एक्सेस कॉलेजेस के बाहर पहुँच गया हूँ और अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है गूगल डेवलपर फेस्ट में। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। पीछे देख सकते हो मेरे एक्सेस कॉलेजेस और अभी तो एक्चुअली यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट हो सकता है अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो क्योंकि गूगल का इवेंट है, तो मोस्ट ऑफ द लोग पार्टिसिपेट करेंगे ही। ठीक है, मिलते हैं अंदर। सो क्या है ना, मैं थोड़ा जल्दी से आ गया था, तो अभी तक जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी नहीं आए हैं और 7 बजे ही मैं आ गया। तो अभी थोड़ा सा यहाँ आसपास का एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं बस टी वगैरह, क्योंकि मॉर्निंग है। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यार चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर चल के। अभी टाइम तो एक्चुअली नहीं हुआ है, इवेंट का टाइम 9 बजे से और मैं आ गया हूँ
7 भी आ गया था, अभी 7:30 बजे बट स्टिल अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है सीन अंदर का। तो अभी यहाँ पर जो है बैनर वगैरह लगाए जा रहे हैं डेफ फेस्ट 2022 के, और ये देख सकते हो भीड़ यहाँ पर। बाकी यार ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा 10-5 मिनट में, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। ओवरऑल हम ऐप यूज करते हैं राइट, सो कोई ऐसा है जो ज्यादा क्रोम यूज करता हो फॉर फेसबुक और मे बी सम अदर प्रोडक्ट? ओके वेरी लेस। सो वी गॉट फूड एंड फूड में मिला हमको डोमिनोज पिज़्ज़ा और एक ये कोल्ड ड्रिंक, उधर बट रहा है फूड और चलते हैं एंजॉय करते हैं। तो यार इवेंट जो है ना वो ख़त्म हो चुका और मैं हूँ अभी जो है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, वापस घर जाने का टाइम आ गया। और दोस्तों इवेंट ओवर हुआ वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। बाकी जो इवेंट में गुडीज हमको मिली वो ये कूल सी एक टी शर्ट और एक मिनट और ये वाले जो है स्टिकर्स मिले। तो यार गूगल डेफ फेस्ट का ना कुछ इस तरीके का मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। और बाकी यार अब घर चलने का टाइम आ गया है तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।